जेई मेन 2019 में ये एल्काइल हैलाइड का एक क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करवानी है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोफाइल्स हैं, राइट। तो एक तरह से हमें इन न्यूक्लियोफाइलों को एल्काइल हैलाइड के ऊपर एज SN2 अटैक करवाना है, ठीक है ना। तो बस इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखना है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टूवर्ड्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स डायरेक्टली इज ए बी सी डी। ये कैपिटल ए बी सी डी, ये चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ऑप्शंस में स्मॉल ए बी सी डी, जैसे कि जेई मेन का पैटर्न है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन कैसा है कि एक एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है ना, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाएगा, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बन के ऊपर, तो यहाँ से एक्स जो है वो निकल जाता है, तो ये बन गया आर एन यू, राइट। अब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द अटैकिंग स्पीड ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इवन द पॉजिटिविटी प्रेजेंट एट दिस कार्बन। लेकिन क्या है कि हम हर न्यूक्लियोफाइल के केस में कार्बन तो वही रख रहे हैं, हैलोजन भी वही वाला रख रहे हैं, तो नाउ दिस इज कांस्टेंट फैक्टर, ओनली चेंजिंग फैक्टर इज न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास क्या क्या न्यूक्लियोफाइल्स हैं भाई, देख लो। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं इस तरह के, ये एक तो है अमाइड, राइट, एक है हमारे पास इमाइड, इसको इमाइड बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के दोनों ओर सी डबल बॉन्ड ओ लग जाए उसको इमाइड, ये अमाइड है, ये इमाइड है, ठीक है ना। एक है हमारे पास एनिलीन, एनिलीन एक है हमारे पास जिसके ऊपर साइनाइड लगा हुआ है ऑर्थो पोजिशन पर, और एक हमारे पास है जो प्योर एनिलीन है, ठीक है ना, प्योर एनिलीन, ठीक है। ये चार एक एक करके देखते हैं। जो अमाइड्स होते हैं उनके लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के, वो रेजोनेंस में शामिल होते हैं और ऑक्सीजन पर जाकर रहते हैं। जाहिर है ये कमजोर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाइट्रोजन पर नहीं रहता। इमाइड में और ज़्यादा खराब स्थिति है, क्यों, ये इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है, दोनों ओर इसमें रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन है, दोनों ओर इसमें माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है और सी डबल बॉन्ड का माइनस आई भी लगा हुआ है। यहाँ एनिलीन पर जो साइनाइड है, ये जब ये रेजोनेंस करता है तो ये साइनाइड का माइनस एम झेलता है, माइनस एम माइनस आई थोड़ा दूर से, और ये जो है इसमें बस डीलोकलाइजेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप बताएं ये ए बी सी डी ये करके है, ए बी सी डी, ठीक है ना। इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तो होगा डी, क्योंकि कम से कम इसके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर तो नहीं है ना, तो डी इज स्ट्रांगेस्ट। इसके बाद आप देखें, इसके बाद ये एमाइड है, ये इमाइड है और ये है एमीन। एमीन्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अमाइड्स एंड इमाइड्स। तो कम से कम दो एमीन हमारे पास थे, एक एनिलीन और एक ऑर्थोसाइनो एनिलीन या जो भी इसका नाम लिख लें हम। तो कम से कम ये तो है कि दोनों एमीन्स को हम स्ट्रांगेस्ट रखें, उसमें भी डी सबसे स्ट्रांग है, उसके बाद सी है, क्योंकि इस सी में साइनाइड का माइनस एम भी लग रहा है तो थोड़ा सा डी लोकलाइजेशन ज़्यादा है। अब आप बताएं एमाइड और इमाइड में आप किसको स्ट्रांग कहेंगे, इमाइड को या अमाइड को। जहाँ ज़्यादा डी लोकलाइजेशन वहाँ वीकनेस और ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अगर आप नाइट्रोजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कर रहे थे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो इलेक्ट्रॉन अटैक करने को आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पर हमेशा अवेलेबल भी होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है ना। और इसमें जो बी है वो सबसे ज़्यादा पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो इस हिसाब से ऑप्शंस देखें तो हमारा आंसर है आंसर बी, ठीक है, इसको नोट करें।